कान खोलकर सुन लो, अगर वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। अयोध्या के संत राजूदास का पाकिस्तान और सीमा हैदर पर यह बयान सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के बाद से ही अयोध्या के संतों में नाराजगी है। सीमा हैदर को लेकर भारत में खबरें छाई हुई हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। सीमा के भारत आकर सचिन मीणा से शादी करने और उसके हिंदू धर्म अपनाने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इस वजह से कई सारे आतंकी संगठनों की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं, तो वहीं हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में निशाना भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान से कई हिंदू मंदिरों के तोड़फोड़ की खबरें आई हैं और करीब 30 हिंदुओं के अपहरण की बात भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला भी किया गया। यह हमला सीमा हैदर के विरोध में आतंकियों द्वारा हिंदुओं पर किया गया है, ऐसा हमलावरों का दावा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमलावरों की तरफ से कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें वो सीमा हैदर को वापस देने और बदला लेने की बात कर रहे थे। ऐसे में अयोध्या के संत नाराज हैं। महंत राजूदास ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि संभल जाओ। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहां के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।